हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चने दाल के डोसा बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने चना दाल एक कटोरी लिया है, एक कटोरी मैंने उड़द दाल ली हूँ, और मैं बड़ा कटोरी से मैंने चावल लिए हूँ। और ये देखिए, ये मैं सारे इसमें मिक्स कर दूंगी, चावल में चना दाल और उड़द दाल भी मैं मिक्स कर दूँगी, और मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसे अच्छे से वॉश करके ले आऊँगी। ये देखिए, मैंने वॉश कर ली हूँ, और मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसे फूलने के लिए दे दूँगी। ये देखिए, मेरे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, ये कितने अच्छे से फूल चुके हैं, सॉक कर लिए सारे पानी। और ये देखिए, मैं मिक्सर जार में डाल के पीस लूँगी, बैटर बना लूँगी मैं इसके। ये देखिए, मैंने इसके बैटर बना लिए हैं इसके। अब जितने सारे हैं मैं इसके सब सबके बैटर बना लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे बैटर बना लिए हैं, और इस बैटर इस तरह है तो ठीक है। ये देखिए, और इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी, और मिला के 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। ये देखिए, मैंने ढक दिए हैं। और ये देखिए, अब मैं इस पे तवा पे तवा डोसा बनाऊँगी। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाली हूँ 1 कप, और मैंने मेरा तवा गर्म हो चुका है, और मैं इसमें ऑयल डालूँगी। उसके बाद मैं थोड़े से 1 चम्मच पानी मिलाऊँगी। ये देखिए, मैंने पानी डाल दी हूँ, और मैं इसे कपड़े से कॉटन कपड़ा से मैं इसे पोंछ लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे पोंछ ली हूँ, और धीमी आंच रखनी है। धीमी आंच रखने के बाद बैटर को डालना है, और पीछे कलछुल के पीछे से इसे धीरे 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 गोल करना है। ये देखिए, मेरे डोसा के चारों ओर थोड़ी थोड़ी ऑयल देना है। देखिए, मैं ऑयल देती हूँ, और उसके ऊपर में भी थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा, जैसे वो जले नहीं। ये देखिए, अब मैं इसे पलटाऊँगी नीचे से। हो गया, ये देखिए कितने क्रिस्पी और गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब मैं इसे पलट दूँगी, इस पलट के फोल्ड कर दूँगी, और बाकी सब जो बैटर है मैं उसे भी, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, बाकी सब जो बैटर है मैं उसे भी बना लेती हूँ। ये देखिए, मेरे कितने अच्छे डोसा क्रिस्पी बने हुए हैं। और मैंने इसमें चटनी बनाई है, बादाम की चटनी बनाई है, उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगे, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू।